नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका। महिलाओं के विशेष प्यार और एहसास का पर्व आ गया है, यानी कि करवा चौथ आ गया है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करके व्रत खोलती हैं। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ मनाने का कारण क्या है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनके विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकला हुआ था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हो गई। अब करवा चौथ के पूजन का महत्व जानते हैं। इस व्रत में भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। ये घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख और दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख और सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की थी। इस बार करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत विशेष है। ज्योतिषों के मुताबिक इस बार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग बहुत अच्छा बन रहा है। ज्योतिष के मुताबिक ये योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बनाता है। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक होता है। अब अगर बात करें चांद निकलने के समय की, तो दिल्ली में रात 8:15 पर निकलेगा, मुंबई में 8:59 पे, कोलकाता में 7:45 पे, चंडीगढ़ में रात 8:10 पे, पंजाब में रात 8:14 पे, राजस्थान में 8:26 पे, लुधियाना में रात 8:12 पे, देहरादून में रात 8:06 पर, शिमला में रात 8:07 पर, पटना में रात 7:51 पे, लखनऊ में रात 8:05 पे, कानपुर में रात 8:08 में, प्रयागराज में 8:08 पे, इंदौर में रात 8:37 पे, भोपाल में रात 8:29 पे, अहमदाबाद में रात 8:50 पे, चेन्नई में रात 8:43 पे और बेंगलुरु में रात को 8:54 पर चांद निकलेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।